खबर बालोद से है, जहां न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां अभद्र टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पर FIR दर्ज की गई। पुलिसकर्मी के साथ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद FIR दर्ज कर दी गई है। लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने पर उन्होंने धमकी दी थी, तो वहीं पुलिस अफसरों को खुलेआम चुनौती भी दी थी। गृह मंत्री और SP पर भी अभद्र टिप्पणी की। पिनकापारा चौकी क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। तो बता दें, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो वहीं अभद्र टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पर अब FIR दर्ज हो गई है। पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र टिप्पणी की थी, लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी और चुनौती भी दी थी। पुलिस अफसरों को खुलेआम चुनौती भी दी गई थी। तो वहीं पिनकापार चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गृह मंत्री और SP पर भी अभद्र टिप्पणी की गई। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां कांग्रेस नेता पर FIR दर्ज करवा दी है। मेरे सहयोगी दिलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दिलेश्वर, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, क्योंकि अब कांग्रेस नेता पर FIR दर्ज हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये कांग्रेस नेता की दबंगई सामने आई थी। पिनकापार चौकी क्षेत्र के गिधवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद में पुलिस काफी तत्परता दिखाई हमारी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम के खबर चलाने के बाद में। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पुलिस टीम जो है वो एक लकड़ी से भरी ट्रैक्टर को रोकी थी, जिसके बाद में चार पहिया वाहन से एक नेता पहुंचता है। नेता के पहुंचने के बाद में वहां पर पुलिस विभाग के जो वहां पर जो कर्मचारी थे उनको काफी ज्यादा गाली गलौज किया जा रहा था। इसके अलावा आपको बता दूं कि SP से लेकर गृह मंत्री तक को भी चुनौती दे रहा था, जिसके बाद में हमारी जो टीम जो है वो बेहद सक्रियता से इस खबर को चलाई थी, जिसके बाद में पुलिस विभाग पुलिस महकमा जो है वो एक्शन मोड में आया है, जिसके बाद में उस कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो वाकई प्रदेश का नेता है या नहीं, क्योंकि हमारी बातचीत कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष बालोद के जिलाध्यक्ष से भी बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि वो उनको जानते नहीं है। और ये बात भी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वो है कहाँ का, लेकिन जिस तरह से पुलिस विभाग के आला अफसरों को बड़े अधिकारियों को SP को और गृह मंत्री को गाली गलौज किया, वो जिसके कारण से पुलिस महकमा जो है जिसके साथ साथ कांग्रेस के जो आला अफसर जो कांग्रेस के जो नेता जो है वो भी एक्शन मोड में आ चुके हैं, और पुलिस विभाग को बेहद सक्रियता दिखानी पड़ी और आखिरकार उसके खिलाफ में FIR दर्ज हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिलेश्वर तमाम जानकारी देने के लिए।